तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। बड़ों का सादर प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दोस्तों, आज की ब्लॉग मेरी मॉर्निंग से शुरू हो रही है। मॉर्निंग से मेरा सारा काम हो गया, मैंने नहा धो के पूजा भी कर ली थी। अभी आज विश्वकर्मा दिवस है। विश्वकर्मा दिवस में आप सबको तो पता ही होगा, हथियारों की गाड़ी घोड़ी की पूजा होती है। तो मैंने गाड़ी की पूजा कर ली थी, तो मैंने उसका वीडियो लिया नहीं है, लेकिन उसका वीडियो मैंने शॉर्ट में डालूंगी। और तो मैंने वीडियो लिया नहीं है, शॉर्ट के लिए लिया है। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद मैं जाऊंगी। मेरा कल हरतालिका थी, इसका व्रत है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कल पूजा का सामग्री वगैरह लेके आऊंगी। और कल हरतालिका थी है, तो हरतालिका थीज आप सभी को वैसे तो पता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को तो पता नहीं होता ये क्या है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज सभी व्रतों में से एक सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। और इसमें सारा जो लेडीजें होती है अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है और लंबे उम्र के लिए व्रत लेती है। और जो कुंवारी कन्या होती है तो अपना मनचाया वर पाने के लिए इस व्रत को रखती है। तो जैसे पार्वती मम्मा ने शिव जी को पाने के लिए रखा हुआ ये व्रत, तो इसीलिए इस व्रत को खास मनाया जाता है। ये भादो मास की तृतीया तिथि में मनाया जाता है। अभी मैं इतना ही दिखाती हूँ, तो मैं पूजा का सामग्री लाऊंगी, इसके बाद दिखाऊंगी। तो खास इतना तो है नहीं, बस सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। आज मैं हरतालिका तीज का व्रत रखती हूँ। मैं कल हरतालिका तीज है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा शॉपिंग करके आई थी, चूड़ी वगैरह, जैसे चूड़ी, मेहंदी और इसमें कपड़ा है मेरा माता रानी पे चढ़ाने के लिए, और चूड़ी बिंदी, ये श्रृंगार का सामान है इसमें, क्योंकि मेन होता है चूड़ी बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर जरूरी होता है, बाकी चीज़ हो ना हो, लेकिन ये श्रृंगार का जरूरी होता है। तो मैं ये सामान लेके आई हूँ। इसमें मेरी साड़ी है, मैंने साड़ी ली थी मैंने हरतालिका थी इसके लिए। तो आप इसमें मैं साड़ी अभी दिखाऊंगी नहीं, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, ये मैं कल पहन के आपको तभी दिखाऊंगी। इसमें साड़ी लेके मैंने साड़ी तैयार कर दिया है। ये पूजा सामग्री है, अभी मैं कुछ आइटम लेके आई हूँ पूजा सामग्री के। आप देख सकते हैं ये शहद है, ये रोली है, जनई है, ये इलायची है, ये लौंग, और इसमें पंचमेवा है, दो सुपारी लेके आई हूँ। और बाकी चीज़ें भी इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे दूध, दही, पान के पत्ते, जौ, तिल और घी, ये चीज़ें मेरी घर में थी। और कुछ चीज़ें मैं तो अब दूध दही तो मैं शाम को या सुबह ही ले लूँगी कल, और पान के पत्ते भी मैं सुबह ही लाऊँगी। तो ये पूजा सामग्री है, तो ये चीज़ें भी चाहिए होती है। तो इसमें कुछ पूजा सामग्री में कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट में बताना, जो तीज का हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं। तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है, जितना मुझे पता है वो चीज़ें मैं लेके आई हूँ। इसमें तिल भी होते हैं, और जो तिल तो मैं घर में ही है, बाकी चीज़ें मैं जो कम होगा मैं उसको सुबह ले लूँगी। अभी मैं इतना ही लेके आई हूँ जो मुझे याद था, तो मैं वो लेके आई हूँ। तो बाकी आप कमेंट में बताना। तो हरतालिका तीज का व्रत बहुत विशेष होता है, और तो आधा सामान तो मैं कल ही ले लूँगी, जो क्योंकि अभी लेके आ जाऊँगी, जैसे पान के पत्ते वगैरह, दूध वगैरह, तो दही वो ख़राब हो जाएंगे, उसको मैं कल ही लूँगी, तो उसको मैंने लिया नहीं है। तो मैंने घर आके मैंने अभी खाना भी बना लिया है, खाना खा के मैंने सब काम कर लिया। तो अभी मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ, अपने आप लगाऊँगी मेहंदी, पार्लर में मैं गई नहीं थी, और तो मैं घर में ही सगुन के लिए थोड़ा सा मेहंदी लगाऊँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसे लगी है मेरी मेहंदी। आता तो नहीं मेरे को, बस वैसे मैं सगुन के लिए लगा रही हूँ। एक हाथ में मैंने लगा लिया मेहंदी, मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है, थोड़ा सगुन के लिए मैंने लगा लिया, एक हाथ में आगे भी लगा लिया और पीछे की तरफ भी लगा लिया है। तो अब कैसे लगा मेहंदी जो मैंने लगाया है, अच्छी तो नहीं है, बस मैंने टेम्परेली काम चला वो कर लिया है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।